भावनगरनी वधु एक शाळानी मुलाकात लेता मनीष सिसोदिया सितसर सरकारी स्कूल पहोंच्या। मनीष सिसोदिया गुजरातना शिक्षण मंत्रीना मतविस्तारनी शाळाओनी मुलाकात लई रह्या छे। मनीष सिसोदिया तो दिल्लीथी आवी पहोंच्या छे गुजरात अने गुजरातमां हवे शिक्षणने लईने राजकारण सतत गरमाई रह्युं छे। निवेदनबाजी पण एक बाद एक सामे आवी रही छे। आक्षेप प्रतिआक्षेपना दौर वच्चे गुजरातना शिक्षण मंत्रीना मतविस्तारनी ज मुलाकात लेवा माटे मनीष सिसोदिया पहोंच्या। भावनगरनी वधु एक शाळानी मुलाकाते पहोंच्या छे तो शिक्षण पर राजकारण गरमायेलू हजु पण यथावत जोवा मळी रह्युं छे। सितसर सरकारी स्कूल खाते मनीष सिसोदिया पहोंच्या अने त्यांना शाळानी जे मुलाकात छे ते लेवामां आवी। त्यांनी शाळानी शुभ परिस्थिति छे तेनो चितार मनीष सिसोदिया लेवा माटे पहोंच्या। आपना अन्य नेताओं पर तेमनी साथे जोडायेला जोवा मळी रह्या छे। गुजरातमां शिक्षण पर राजकारण छेल्ला दिवसोथी सतत गरमायुं छे। आ तरफ आम आदमी पार्टी पण शिक्षणने लईने गुजरातमां परिस्थिति खूब ज विकट होवाना सतत आक्षेपो करी रह्युं छे। आ तरफ सरकार तरफथी दावा करवामां आवी रह्या छे कि शिक्षणनुं स्तर गुजरातमां खूब ज सुदृढ़ छे। मनीष सिसोदिया सरकारी शाळानी मुलाकात लेवा माटे आवी पहोंचवाना हता। तेओ दिल्लीथी गुजरात आवी पहोंच्या छे अने सौथी पहेला तेओ भावनगर पहोंच्या छे। भावनगरनी एक शाळानी मुलाकात बाद अत्यारे तेओ बीजी शाळानी मुलाकाते पहोंच्या छे। भावनगरनी वधु एक शाळानी मुलाकात लेवा माटे मनीष सिसोदिया पहोंच्या। आप गुजरातना अन्य नेताओं पर तेमनी साथे जोड़ाया छे। गुजरातना शिक्षण मंत्रीना मत विस्तारनी शाळाओने लईने राजकारण गरमायुं छे त्यारे अमदावादमांथी लईने हवे तमाम जे अंदर तमाम विस्तारोनी जे स्कूल व्यवस्था केवी छे ते प्रकारने लईने दिल्हीना उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हाल आजे गुजरातनी मुलाकाते छे अने तमाम जे स्कूलोनी विजिट छे ते भावनगरनी स्कूलमां करी रह्या छे। शिक्षण मंत्रीना विस्तारमां अत्यारे हाल मनीष सिसोदियानी जे विजिट जे छे ते खूब महत्वनी छे ते मानवामां आवी रही छे। शिक्षण मंत्री अहींया जे पहोंच्या छे अने विजिट छे ते पण अत्यारे हाल करी रह्या छे। स्कूलनी जे स्थिति केवा प्रकारनी छे स्कूलनी स्थितिने लईने अत्यारे तमाम जे व्यवस्था केवी जे राखवामां आवी छे ते स्कूल व्यवस्था उपर अत्यारे हाल ते तमाम जे विगत छे ते मेळवी रह्या छे। महत्वनुं छे के शिक्षणने लईने राजकारण छे ते गरमायुं छे अने शिक्षण व्यवस्था केवा प्रकारनी राखवामां આવી છે તે વ્યવસ્થાને લઈને અત્યારે તમામ શિક્ષકો સાથેની જે વાતચીત છે વિદ્યાર્થીઓ સાથેની જે વાતચીત છે તે વાતચીત પણ અત્યારે જે કરી રહ્યા છે તમામ જે વ્યવસ્થા જે છે તે વ્યવસ્થાને લઈને તમામ જે કેવા પ્રકારની જે વ્યવસ્થાઓ જે અહીંયા રાખવામાં આવી છે તે વ્યવસ્થા અંગે પણ તમામ જે ચર્ચા વિચારણા છે તે પણ અહીંયા કરવામાં આવી રહ્યા છે। શું વાતચીત કરી રહ્યા છે એ પણ આપણે સાંભળીશું અત્યારે હાલ। यहाँ कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना? ये स्कूल उनको पता नहीं था हम यहाँ उनको ये स्मार्ट मूव इनका ये है कि उनको ये परसों से मेरा प्रोग्राम पता था तो परसों से जहाँ उनको पता था जिस स्कूल में मैं आ रहा हूँ तो उन्होंने आराम से चार कमरों में स्मार्ट बोर्ड टांग दिए। अब उनको नहीं पता था मैं दूसरे स्कूलों में भी चला जाऊंगा तो अभी यहाँ तो स्मार्ट बोर्ड छोड़ो यहाँ डेस्क नहीं है। तो जो स्कूल थी स्कूल व्यवस्था कैसी? 18,000 गांव में दिल्ली एक छोटा सा शहर है। ऐसी बात यहाँ के जो खाता पक्ष के लोग हैं वो अब गुजरात के लोग जब अपनी सरकार चुनते हैं तो इसीलिए चुनते हैं कि गुजरात के लिए काम करने में सक्षम हो। वो ये बहाना मारे कि जी वो दिल्ली में तो कर सकते हैं तो वो दिल्ली की सरकार में चुनाव लड़े ना बीजेपी गुजरात छोड़ दे अगर उनसे गुजरात हैंडल नहीं होता है तो अत्यारे हाल जे स्कूल नी व्यवस्थाओ छे स्कूल व्यवस्थाओ ने लईने जे महत्वना जे तमाम जे स्कूल नी जे व्यवस्थाओ छे ते જોઈ રહ્યા છે અને તમામ સ્કૂલ વ્યવસ્થાઓ સાથે અત્યારે તે તમામ સ્કૂલ જે છે તે નિહાળી રહ્યા છે સાથે તમામ જે શિક્ષકો છે તેમની સાથે પણ વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન છે તે કરી રહ્યા છે। હાલ જે સ્કૂલ વ્યવસ્થા જે છે તે સ્કૂલ વ્યવસ્થા હું બતાવવા માંગીશ કે જે રીતે અહીંયા હાલ વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે પણ જે ભણે છે તે બોર્ડની હાલત કેવા પ્રકારની છે જે ડિજિટલ બોર્ડની જ્યારે વાત કરવામાં આવતી હોય છે જે અહીંયા તમામ જે પુસ્તકની વાત કરવામાં આવે છે ત્યારે તમામ જે ચોક મૂકવાની છે તમામ જે સ્ટેશનરી મૂકવાની તમામ જે વ્યવસ્થા છે તે પણ સતત ધૂળ ખાયેલી હાલતમાં છે જે તે અત્યારે હાલ જોવા મળી રહી છે। તમામ જે વ્યવસ્થાને લઈને શિક્ષણ ઉપર સમગ્ર જે રાજકારણ છે ત્યારે હાલ ગરમાયું છે અને તેને લઈને તમામ એક પછી એક જે ભાવનગરના જે જીતુ વાઘાણીના જે વિસ્તાર છે ત્યાંની સરકારી સ્કૂલોની જે મુલાકાત છે તે મનીષ સિસોદિયા અત્યારે હાલ લઈ રહ્યા છે। કેમેરામેન મેહુલ રાઠોડ સાથે દિવ્યા ચૌહાણ વીટીવી ન્યૂઝ भावनगर।
तो भावनगर की वधु एक शाला की मुलाकात लेवा माटे पहुंचा मनीष सिसोदिया अने त्यांना शिक्षकों साथे पण तेओए वातचीत करी। शाला की जे परिस्थिति है तेने लईने तेओए चितारपण मेळव्यो।